बच्चों, मैं आज आप लोगों को आपके पठित पाठ साखी, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या करूंगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले उस उनकी लिखित साखी को पढ़ने से पहले कबीरदास के बारे में थोड़ा जानते हैं। बच्चों, कबीरदास के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी विद्वानों का मानना है कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि कबीर का जन्म क्यों तालाब के किनारे हुआ, तो इसका मतलब इसका यह है कि कबीरदास की मां जो है एक विधवा ब्राह्मणी थी। विधवा उस स्त्री को कहते हैं जिस स्त्री के पति जीवित नहीं होते। कबीर को जन्म देने के बाद उनकी मां उन्हें उसी तालाब के किनारे छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग मेरा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कबीर को जन्म दिया और दे करके तालाब के किनारे छोड़कर चली गई। वहीं काशी के नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति पति और पत्नी के जोड़े को कहते हैं, तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उस बच्चे को, नवजात शिशु को उठा लिया और अपने घर ले गए। कबीर की अब कबीर का नाम कबीर क्यों पड़ा, कबीर का अर्थ क्या होता है, तो कबीर का अर्थ होता है महान या बड़ा। कैसे वो लोग जान गए कि कबीर महान होंगे, वो इसलिए समझे कि कबीर कोई भी बच्चा या किसी का भी जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह जन्म के बाद रोता है। कबीर भी रो रहे थे। कबीर को चुप कराने के लिए, मीन्स उस नवजात बच्चे को चुप कराने के लिए उनकी मां ने अपने स्तन को पकड़ाया, जो पालिता मां थी यानी नीमा, तो उसने उस बच्चे को अपने स्तन को पकड़ाया तो वहां से दूध की धारा बहने लगी। और उन लोगों ने तभी सोचा कि यह एक बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि यह एक महान है, और उस बच्चे का नाम रखा कबीर। कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगे, क्योंकि नीरू और नीमा जो उनके पालक माता पिता थे, वे जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे मीन्स, जुलाहे का मतलब शायद आप नहीं जानते हो, जुलाहा उसको कहते हैं जो कपड़े बुनने का काम करता है। कबीर भी बड़े होने के बाद अपने पालक माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे, और धीरे धीरे बड़े होने पर, अवस्था आने पर, जब उनकी उम्र हुई तो उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था लोई। लोई से दो संतान उत्पन्न हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। कबीर का जब प्रादुर्भाव हुआ उस समय हमारे देश में अनेकों कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे जाति भेद, धर्म भेद, ऊंच नीच की भावना, आडंबर आदि। कबीर ने इन सब का विरोध किया। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए लोगों को समझाया कि यह सब दिखावा है, आप दिखावे के लिए काम को मत करो, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके लिए आप काम करो। इस तरह से उनके अनुयायी बनते गए, उनके लोग उनको मानने लगे, और समय आने पर कबीर ने, कबीर का लिखा हुआ जो महाकाव्य है उसका नाम है बीजक। बीजक के तीन भाग हैं, एक है साखी, सबद और रमैनी। साखी जो कि आपके पाठ में दिया गया है, साखी हिंदी संस्कृत के साक्षी शब्द से विकसित है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान या ज्ञान संबंधी
दोहा। कबीर कबीर जो है एक हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो दिखावे थे, जो आडंबर था, उनका विरोध किया। कबीर ने कहा कि भगवान के बारे में कहा कि आप भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि भगवान हमारे पास में है। भगवान सबके पास है, ईश्वर सबके पास है। और कबीर इस तरह से कबीर जो है अनेक जगहों में घूम घूम करके उपदेश देते थे, उनके लोग उनका पालन करते थे। 120 वर्षों का पवित्र जीवन बिताने के बाद सन 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में कबीर ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग मगहर में किया। उस समय यह मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। कबीर ने इस बात को सच साबित करने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने मृत्यु के समय मृत्यु के स्थान मगहर को चुना और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी यानी 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। यह कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु जब हुई तो उस समय उनके जो शिष्य थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। चूंकि मान्यता के अनुसार हिंदू मृतक शरीर को जलाते हैं और मुसलमान उसे दफनाते हैं, उनके शिष्य आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि मुस्लिम कहते थे, मुसलमान लोग कहते थे कि हम इस शरीर को, इस मृतक शरीर को जमीन के अंदर दफनाएंगे, और मुस्लिम कहते थे कि इसे जलाएंगे। हिंदू जलाने की बात करते थे, मुसलमान इसे दफनाने की बात करते थे। इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया और अंत में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब आप जानते हो, आकाशवाणी मीन्स वह वाणी, वह आवाज जो आकाश मार्ग से आती है, दिखाई नहीं देता कि कौन बोल रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि तुम लोग आपस में लड़ो मत, इस मेरे शरीर को एक कपड़े से ढक दो और जब कुछ देर बाद जब उस कपड़े को आप हटाओगे तो कोई नया चीज मिलेगा, जो नया चीज मिलेगा उसको आप लोग आपस में बांट लेना। उनके शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया। जब कपड़े को हटाया गया तो वहां पे कोई मृतक शरीर नहीं था, कोई लाश नहीं थी, वहां पे कुछ फूल मिले जिनको उनके शिष्यों ने आधा आधा बांटा। हिंदुओं ने उसे जलाया और मुसलमानों ने उन्हें दफनाया। कबीरदास जो विरोध किया लोगों के उस समय जो आडंबर थे, तो उन्होंने कहा, आपके दोहे में पहला दोहा है जो साखी में चैप्टर में पहला दोहा है कि तेरा साई तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढे घास। यानी कबीरदास जी दोहे में बता रहे हैं कि हमारा भगवान हमारे अंदर वैसे ही विराजमान है जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। जिस प्रकार से कस्तूरी वाला हिरण, कस्तूरी उसके पास होती है लेकिन जब वह उसके गंध को सूंघता है तो उसे घासों के अंदर खोजता है, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान को मंदिर मस्जिद आदि जगहों में खोजते हैं। उन्होंने पूजा पाठ के भी जो सिद्धांत बनाए गए थे उनका विरोध किया। उन्होंने लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू उपहार, ताते यह चक्की भरी पिसखाए संसार। यानी पाहन माने पत्थर, यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पत्थर की जहां से उत्पत्ति हुई यानी पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि भगवान जल्दी मिल जाएंगे। उससे भी अच्छा तो यह होगा कि जो घर में जो चक्की है जिसका पीसा हुआ सभी लोग खाते हैं उसकी हम पूजा करें। यानी
अब मूर्ति पूजा के का विरोध कबीरदास ने किया कि यह मूर्ति पूजा करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इत्यादि में नहीं है, ईश्वर तो हम लोगों के पास ही है। उन्होंने गुरु के बारे में भी उल्लेख करते हुए कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कहने का अर्थ यह है कि गुरु को उन्होंने कहा कि गुरु कुम्हार की तरह से है और शिष्य, शिष्य मीन्स स्टूडेंट, कुंभ की तरह से, यानी कच्चे घड़े की तरह से है। जिस तरह से कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए उसकी कमियों को, एक एक कमियों को बारीकी से देखता है और अंदर से हाथ का सहारा दे करके ऊपर से प्रहार करता है, चोट करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों की कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें कभी कभी पीटते तो हैं, कभी कभी उनके प्रति कठोर तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से प्रेम का सहारा रहता है, प्रेम का सहारा दिए रहते हैं। क्योंकि विद्यार्थी यानी शिष्य और गुरु का संबंध बहुत मधुर होता है। बच्चों, यदि आपको कहीं कोई समस्या है हम तो आप पूछ सकते हो। अगर वो विधवा पर्मनी थी तो उन्होंने बच्चे को कैसे जन्म दिया कबीरदास को? यस, अच्छा प्रश्न है आपका, आप बैठ जाएं। कबीरदास को जो जन्म देने वाली माँ थी वह विधवा थी, लेकिन कबीरदास उनका जन्म कैसे हुआ जब उनकी माँ, आपके प्रश्न के अनुसार जब कबीरदास की माँ जिसने जन्म दिया वह विधवा थी, तो फिर कबीर का जन्म कैसे हुआ? तो कबीर का यह माने उल्लेख है, लिखा हुआ है कि कबीर की माँ जो विधवा थी, लेकिन उनके वह जो है स्वामी रामानंद की भक्त थी, स्वामी रामानंद की सेवा शुश्रूषा करती थी। तो स्वामी रामानंद ने एक बार उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ पुत्रवती हो, और वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ और कबीर का जन्म हुआ। स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से ही कबीरदास का जन्म हुआ, ऐसा लिखा हुआ मिला है। और किसी को कुछ पूछना है? अब तो आज के लिए सिर्फ इतना है।